आज विश्व स्तर पे है चार्ली चैपलिन को कौन नहीं जानता। ऐसा महान कलाकार है जो बिना बोले पूरी दुनिया पे राज कर चुका है। बट क्या आपको पता है कि इसके सफलता के पीछे उसने कितनी दर्द भरी यातनाएं सहन की हैं? उनके जीवन के एक अंश बताने वाला हूँ कि जब चार्ली चैपलिन को बहुत तकलीफों को सहन करना पड़ा। मात्र जब वो 5 साल के थे तब उनको थिएटर पे चढ़ना पड़ा। उनकी जो मदर थी वो सिंगर थी और दिन भर गाने गा गा कर जो है वो अपना गुजारा करती थी। गला जो है वो आवाज प्रॉपर नहीं दे पा रहा था, तो ऐसे केसेस में लोगों ने उनकी बहुत यात्राएं दी, प्रताड़ित किया उनको, उनके ऊपर जो है अलग अलग प्रकार जो है फेंकने लगे चीजें। चार्ली चैपलिन वही थे और उस समय पहली बार वो अपनी माँ की जगह पे स्टेज पे चढ़े और उनके सामने जो गाने की कोशिश करने लगे, तो लोगों ने उनके ऊपर सिक्के फेंकना चालू किया। तो चार्ली चैपलिन ने गाना बंद करके पहले सिक्के उठाना चालू किया और उसने कहा, पहले मैं सिक्के उठाऊंगा, उसके बाद मैं नाचूंगा और गाऊंगा। तब उसको समझ में आ चुका था कि साहब दुनिया जो है किसी की प्रताड़नाओं पे हंसती है, उनको मजा आता है। आपको मैं बता दूं, चार्ली चैपलिन नहीं रुके। चार्ली चैपलिन की मदर की मौत के बाद उनके जीवन का असली स्ट्रगल शुरू हुआ। उन्होंने अपने जीवन के अंदर डॉक्टर के या नौकरी करके जो पेशेंट का यूरिन होता है वो जिस बर्तन में यूरिन करते हैं उन्होंने वो बर्तन भी धोए। उन्होंने सेल्समैन बनकर जो है साबुन है, अगरबत्ती है, बिस्किट को उन्होंने बेचा। उन्होंने कांच की खिड़कियां साफ की, इन्होंने रोड पे पेन बेचे, इन्होंने बहुत कुछ अपने जीवन में स्ट्रगल किया। पर वहीं से उनको जो है जीवन में प्रेरणा मिली जब एक दिन उनके किसी चाचा के फैमिली मेंबर में, जिनकी हाइट कम थी पर वो लंबी पतलून की धोती पहन के चलते थे और उनकी चाल देखकर लोग उन पे हंसते थे, तब चार्ली को समझ में आया कि साहब अगर आप कुछ अजीब ढंग से करोगे लोगों को बड़ी हंसी आएगी। तब से चार्ली चैपलिन ने अपने जीवन में ये बात को उतार लिया और वो भी मिमिक्री करना शुरू कर चुके थे और धीमे धीमे अपनी हालचाल बॉडी लैंग्वेज वो उन तरीके से करने लगे जिससे लोगों को मजा आने लगा। और वो धीमे धीमे एक के बाद वो अपने ऊपर सारी प्रताड़ना सहन कर लोगों को हंसाने की कोशिश की। ऐसे महान नायक को मैं और दुनिया सलाम करती है। इसी प्रकार की जीवनी को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।